हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर? आज हम 10th वर्कशीट करेंगे 6 अगस्त की साइंस की क्लास 6 के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। सो यू माइट हैव हियर योर एल्डर सेड यू आर व्हाट यू ईट। आपने सुना होगा आपके एल्डर्स कहते हैं, अरे ये तुम क्या खा रहे हो। यस दे आर राइट, वो सही है। आवर बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी एक कलेक्शन है न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमें एनर्जी देती है, इसलिए हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए। और फूड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर जैसे न्यूट्रिएंट्स हो, वो चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। दे आर एनर्जी गिविंग फूड। ये कुछ एनर्जी देने वाले फूड होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैलोरीज की फॉर्म में। कैलोरीज वर्ड आपने सुना भी होगा, जैसे कि बनाना और शुगर केन इसके एग्जांपल हैं। सेकंड, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डाइट में होनी चाहिए, जैसे कि मिल्क या चिकन। और तीसरा, फैट्स। फैट्स दे आर एनर्जी रिच फूड। ये हमें एनर्जी देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है यंगर के लिए, जो छोटे लोग होते हैं, जैसे कि चीज या फिश। और विटामिन्स, ये भी बहुत जरूरी है बॉडी की फंक्शन के लिए। ये किस में होते हैं? एग में या टोमेटो में। तो हमें यहाँ पे 7 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पजल भरना है। तो देखते हैं, वाटरमेलन अभी हमने 4 पढ़े हैं, पहले हम इसे भरते हैं, फिर और 3 पढ़ेंगे। तो वाटरमेलन होता है, राइस दिख रहा है हमें इसमें नट्स दिख रहे हैं, एग्स दिख रहे हैं, फिश दिख रही है और इसी तरह से दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं चीज दिख रही है हमें पूरी, और क्या क्या दिख रहा है हमें, और हमें टोमेटोज भी दिख रहे हैं, है ना। इसी तरह से हमें बीन्स भी दिख रही हैं, पीस भी दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो इन सबको सर्कल करेंगे। इसी तरह से अगर आपको और भी कोई चीज दिख रही है तो आप उसे भी सर्कल करेंगे। अब मिनरल्स पढ़ते हैं। मिनरल्स, ये बहुत जरूरी फंक्शन है किसके लिए? हमारी लाइफ के लिए, जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गंदा फूड हो जाए, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम से हटाते हैं, जिससे कि हमारा जो पेट है वो साफ रहे, जैसे कि कैरेट और पीस में होते हैं ये। अब वाटर, जो हमारी बॉडी है वो 75% ऑफ वाटर से बनी है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसके लिए कुकुम्बर और टोमेटो खाने चाहिए, इनमें हमारा वाटर होता है ना बहुत सारा, इसलिए इसके लिए हमें वाटर भी बहुत पीना चाहिए। अब मैचिंग करनी है कि कौन सा काम किसका होता है। वाटर का क्या काम होता है? लाइफ स्टेबलाइजिंग बॉडी टेम्परेचर, स्टेबलाइज करती है बॉडी टेम्परेचर को, नॉर्मल रखती है। मिनरल का लाइफ सेविंग फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन का हेल्प इन ग्रोथ एंड फाइबर का जो फूड अनडाइजेस्ट हो पाता है उसे हटाना। तो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट्स में। तब तक के लिए बाय।